हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संघमित्रा एम बस्ता एंड इफ यू आर लुकिंग टू ट्रांसफॉर्म योर मॉर्निंग असेंबली फ्रॉम रूटीन टू रिमार्केबल, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग। I have conducted morning assemblies a lot of time during my school days. Also, I have hosted my school annual function, represented my school in inter-school, district level, state level elocution competition. So, in itne saalon mein, with that experience, I have refined my skill of public speaking. So, at least for this topic, you can totally rely on me. आप सबको इतना तो पता होगा कि public speaking is not at all like dance या singing. क्योंकि जब हम dance या singing stage पे कोई कर रहा होता है, तो ऑडियंस को इंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरटेनिंग होता है। बट जब आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो, जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो या मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कर रहे हो, उस टाइम पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑडियंस को इंगेज करके रखो अपने साथ और पूरा ध्यान उनका आपकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा भी आपका स्पीच अगर मोनोटोनस होगा, बोरिंग होगा, दे विल नॉट इवन हियर इट। किसी को भी इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डिलीवर कर रहे हो तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करो। ओके, ऑल्सो नॉट ओनली मॉर्निंग असेंबली, अगर आप कोई भी तरीके का स्पीच देने जा रहे हो या पब्लिक अपीयरेंस देने जा रहे हो, इस 5 स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो या फिर अपनी स्पीच को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू 5 स्ट्रैटेजीज जिसको यूज करके आप अपने कोई भी तरीके के नॉर्मल स्पीच मॉर्निंग असेंबली को और भी ज्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ऑल्सो आई विल शेयर सैम्पल आंसर्स विद यू जिसको आप अपने स्पीच में यूज कर सकते हो। ऑल्सो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा गाड़ियों की बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है जो मैं एडिट नहीं कर पा रही, इसलिए मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये वीडियो की क्वालिटी को हैम्पर ना करे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको 2 मोस्ट कॉमन वेज टू स्टार्ट द स्पीच बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। नंबर 1, Good morning everyone, I am Sanghamitra Ambasta from class 12D and let's begin our morning assembly. It's so boring and it's so common, nobody hears that. दूसरा वे जो कि एक्चुअल में अच्छा था बट ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि अब आप बोलोगे तो ये सुनने में बहुत कॉमन है, nobody is going to pay attention towards your speech or towards you. जो मैं बता रही हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संघमित्रा एम बस्ता फ्रॉम क्लास 12D एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑफ यू हियर फॉर गिविंग मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट दिस मॉर्निंग असेंबली। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अच्छा है बट इट इज वेरी बोरिंग क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। ओके, सो लेट मी टेल यू 5 डिफरेंट वेज टू स्टार्ट योर मॉर्निंग असेंबली सो दैट यू एंड योर टीम कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नंबर 1, स्टार्ट योर मॉर्निंग असेंबली विद अ मोटिवेशनल थॉट और कोट जो कि आपके मॉर्निंग असेंबली की थीम पर बेस्ड हो या फिर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से हो। एक नॉर्मल सिंपल गुड मॉर्निंग बोलकर अपनी स्पीच को स्टार्ट करने से मच बेटर है कि आप एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल थॉट चुनो। ऑल्सो वैसे कोट्स को यूज़ करो जो कि बहुत अनकॉमन है और लोगों ने नहीं सुना है। वैसे कोट्स मत यूज़ करो जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और बोरिंग है, ठीक है? इफ़ यू वॉन्ट माई हेल्प इन दिस देन यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई कैन प्रोवाइड यू विद सम ऑफ द वेरी अनकॉमन कोट्स। सेकेंड बेस्ट वे टू स्टार्ट योर असेंबली इज बाई टेलिंग अ स्टोरी। हाँ, स्टोरी टेलिंग करके। अब व्हेन आई से स्टोरी टेलिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधे घंटे तक कोई कहानी बोलते जा रहे हो और इतनी बोरिंग हो कि कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मेक श्योर कि आप जो कहानी बोल रहे हो वो बहुत छोटी होनी चाहिए और एक मोरल स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ, बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। थर्ड इज स्टार्ट योर स्पीच विद अ फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगेन, फैक्ट अगर मैं बोल रही हूँ तो डू नॉट से फालतू के फैक्ट जो कि कॉपी के पीछे आते हैं कि ऑक्टोपस के 4 दांत होते हैं, आपको क्या आपको पता है, ऐसे इस तरह के बेवकूफ वाले फैक्ट ना यूज करें क्योंकि ये काफी अनप्रोफेशनल काइंड ऑफ लगता है, समझ रहे हो? स्टार्ट योर स्पीच बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगेजिंग होना चाहिए। जैसे
बिकॉज व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, इससे क्या हो रहा है कि सामने वाले जो इंसान है, अगर आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है तो उससे ऑडियंस इंगेज हो जाएगी ये सोचने में, उसका आंसर देने में। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और किसी ने आंसर ही नहीं दिया तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। नंबर वन, आस्क द क्वेश्चन वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, और नंबर टू, आप अपने क्लास के किसी बच्चे को उस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर बता दो एंड देन उसको बोलना कि जब आप क्वेश्चन पूछे तो हैंड रेज करके उसका आंसर दे, या फिर उससे भी ज़्यादा बेटर है कि आप जो क्वेश्चन पूछे आपकी जो टीम स्टेज पर खड़ी है वही उस क्वेश्चन का आंसर दे दे। Fifth one and my personal favorite, starting your morning assembly or your speech with affirmation. अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट स्ट्रैटेजीज बताया उसमें से सबसे ज़्यादा अनकॉमन यही है, अगर आप अपनी मॉर्निंग असेंबली को एफर्मेटिव स्पीच के साथ स्टार्ट करोगे बहुत ज़्यादा नया होगा और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ ना जाए। इट विल बी वेरी क्रिएटिव, आपको और अच्छे से समझ आएगा जब मैं सैम्पल आंसर्स दिखाऊंगी। करना क्या है कि आपको अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले या मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट करने से पहले दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, यू आस्क द ऑडियंस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टू रिपीट आफ्टर यू, जो कि शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए हैंडल करना क्राउड को। दूसरा, यू एंड योर टीम, यू आस्क योर टीम जो कि स्टेज पे आपके साथ खड़े हैं टू रिपीट आफ्टर यू, ठीक है। जो जो भी आप बोलोगे कुछ पॉजिटिव सा स्टेटमेंट्स वो आपके पीछे रिपीट करेंगे लाइक अ प्लेज जो आप लेते हो अपनी असेंबली को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। देखो आप सैम्पल आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, आस्क द ऑडियंस, जैसे स्कूल के बच्चे जो लाइन में खड़े हैं, दैट दे विल रिपीट आफ्टर यू। और दूसरा आप कर सकते हो कि वो जो दूसरे बच्चों को आपने इन केस अगर बोला कि रिपीट आफ्टर मी, उसके बाद सेंटेंस आपने बोला और किसी ने आपको बातों को रिपीट ही नहीं किया, तो ये एक चांस हो सकता है कि आप स्टेज पे जाके ऑकवर्ड हो जाओ क्योंकि कोई अटेंशन ही पे नहीं कर रहा है या कोई आपके पीछे रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो दैट लुक्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वन, आप अपनी टीम से बोलो, आप टीम में मिलके बोलो कि हम अपनी मॉर्निंग असेंबली को कंडक्ट करने से पहले या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बोलूंगा या बोलूंगी, एंड ऑल आर टीम मेंबर्स वी विल और ऑल आवर टीम मेंबर्स वी विल रिपीट आफ्टर, मतलब यू विल से द एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो हो सकता है ये थोड़ा नया हो तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो कि स्टार्ट कैसे करें, अपने इंट्रोडक्शन के साथ इसको कनेक्ट कैसे करें, सो लेट मी हेल्प यू विद दिस वन। सबसे पहले आप ऐसे गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एज वी गैदर हियर टू स्टार्ट आवर डे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड आवर सेल्फ ऑफ द पावर वी होल्ड इन शेपिंग आवर ओन एक्सपीरियंस एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। बिफोर वी बिगिन आई लाइक ऑल ऑफ अस टू टेक अ मोमेंट टू अफर्म समथिंग टुगेदर, समथिंग दैट विल सेट द टोन फॉर द डे। ये सब तुम अकेले बोलोगे, फिर तुम उनसे पूछोगे कि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपसे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे पीछे वो सब रिपीट करें। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यू विल आस्क एवरीवन टू रिपीट आफ्टर यू। यहाँ पे देखो, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, टुडे आई चूज टू अप्रोच एवरी चैलेंज विद कॉन्फिडेंस। फिर आपके पीछे आपकी टीम इस चीज को रिपीट करेगी, एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट नोइंग दैट आई हैव द स्ट्रेंथ एंड द डिटरमिनेशन टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई विल स्ट्राइव टू लर्न, ग्रो एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये आपका एफर्मेटिव स्टेटमेंट था। देन आप सब लोगों को थैंक यू बोलोगे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दैट अफर्मेशन, रिमेंबर एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्गर बोथ इन आवर स्टडीज एंड इन आवर कैरेक्टर। लेट्स कैरी दिस पॉजिटिव एनर्जी विद अस एज वी मूव फॉरवर्ड एंड मेक टुडे काउंट। उसके बाद आप लोग आगे से स्टार्ट करोगे अपनी असेंबली को। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत सारे अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। एंड रिमेंबर दिस कि अभी आपको लग रहा हो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा बोलने पे, बट बिलीव मी ये सबसे ज़्यादा अलग और क्रिएटिव लगने वाला है। ओके, सो वी आर डन विद ऑल द 5 पॉइंट्स विद सैम्पल आंसर्स। If you want more such videos on this topic, do let me know in the comment section. और भी अगर आपको कोई भी doubts या query है आप मुझसे comment section में पूछ सकते हो, कोई भी तरह के sample, unpopular quotes या thought of the day if you want, just let me know. Okay, so at the end, अगर आपको video पसंद आया है, like it, share it with your friends, comment down below and subscribe to my YouTube channel for more such videos. Okay, bye.